हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2023 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 583 का नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ चुका है और अब तक तो ये बहुत सारा वीडियो आपको मिल चुका होगा, बट यह वीडियो उस तरह का वीडियो नहीं होने वाला है। इस वीडियो में प्रीडोमिनेंटली हम लोग सिलेबस, इंपोर्टेंट बुकलेट्स और व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जाम, इसमें चर्चा करेंगे। लेट्स गियर अप। और हमारा वीडियो यही तीन टॉपिक पर के इर्द-गिर्द घूमेगा, सिलेबस, बुकलेट और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यह भी जो है प्रिपरेशन का ही एक अंग है। सिलेबस पता होना चाहिए, बुकलेट भी पता होना चाहिए क्या क्या आपको फॉलो करना है और कैसे आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशन का सब एक हिस्सा है। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ। सबसे पहले तो आपको पता होगा जो आपको न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है क्वालिफिकेशन, वो आपको 10th है ना, 10th पास आपको होना चाहिए। ओके, बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे अगर चर्चा किया जा रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम जो है से आपका जो 1/8/2023 तक 18 साल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 1/8/2023 तक अगर आपका 18 साल अगर हो जा रहा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। दूसरा बात है जो अधिकतम उम्र सीमा है, ठीक ना, अधिकतम वह आपका 1/8/2018 से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा 1/8/2018 न कि 2023। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 2023 से मेरा जो है से या 25 से 27 से पार हो गया तो क्या हम लोग जो है से एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग देखिए 2023 लिमिट नहीं है, आपका लिमिट 2018 है, 2023 से काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए कुछ देख लेते हैं। तो ओके ना, हो गया ना, 2023 से काउंट नहीं किया जाएगा, 2018 से काउंट किया जाएगा और न्यूनतम के लिए 1/8/2023 काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 1/8/2018 तक आपका जो है 25 साल या 27 साल हो रहा है ओके, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर उससे ज्यादा हो जा रहा है तो फिर एलिजिबल नहीं है। क्लियर। आगे देख लीजिए को अनरिजर्व जो कैटेगरी है ओके, जनरल और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों के लिए 25 साल है अधिकतम उम्र सीमा, न्यूनतम तो 18 है सबके लिए। उसके बाद जो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ओबीसी में देखिएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दोनों के लिए 27 साल रखा गया है, यानी कि ओबीसी 1 जो 2 है उनके लिए 27 साल है जनरल कैटेगरी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस उन लोगों के लिए 25 साल रखा गया है। तो ये दो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे देख लीजिए थोड़ा, जैसे फीमेल कैटेगरी के बारे में बात कीजिएगा तो जो अनरिजर्व है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन लोग के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दोनों के लिए ओबीसी 28 साल है और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए पुरुष हो या महिला हो अधिकतम उम्र सीमा 30 साल रखा गया है, यानी कि 30 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कुछ आपका हो गया, ठीक ना, कि एज का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इतना सारा क्लियर होना चाहिए माइंड में। यह दिक्कत हो जाता है कभी, लोग सोचेंगे 2023 है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, वो छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 2018 जो ऐसे मैक्सिमम आप लोग को होना चाहिए 25 साल या फिर 27 साल या फिर जितना यहाँ पे मेंशन है 28 या 30 सबका लिए, वह 2018 आप लोग देखिएगा 1/8/2018। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डे बाय डे का जो बोल बचन होता है ना उससे दूर रहिए, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब कैंसिल हो रहा है, इसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो कम से कम इससे दूर रहा कीजिए। अर्जुन का एग्जाम्पल आपके समक्ष है, ठीक है ना, क्योंकि इनको सिर्फ मछली का आँख दिखाई देता था, तो उसी तरह से सिर्फ आपको आपका सिलेबस और आपका गोल दिखना चाहिए, दूसरा चीज़ दिखेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक ना, सिलेबस और आपका गोल, उसके अलावा दूसरा चीज कुछ नहीं दिखना चाहिए। कितना पोस्ट है क्या है, आपको एक पोस्ट चाहिए ना, तो जिस सोचेगा कि एक पोस्ट हमको चाहिए उसी का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक ना, पूरा दुनिया देखेगा 583 तो फिर एक भी नहीं मिलने वाला है, एक दिखेगा तो मिल जाएगा अर्जुन की तरह, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डे बाय डे का बोल बचन से एकदम दूर रहिएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग आपका टाइम पास करके चले जा रहे हैं, ठीक है, कि कब क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस दैट, तो सबसे दूर रहिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। झारखंड में एग्जाम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होता है तो उसको लेकर आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है, वो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बट आप लोग प्रिपरेशन अपना बूस्ट कर सकते हैं। अगर जो डे बाय डे का बोल बचन करेगा सुनते रहेगा तो सुनते रह जाएगा, जो प्रिपरेशन करेगा वह एग्जाम लेकर चला जाएगा, ठीक है ना, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सीधे बात करते हैं कि परीक्षा जो है से किस तरह से होने वाला है और उसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो तीन चरणों में होगा, सबसे पहले तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी जांच किया जाएगा, ओके ना, कितना एफिशिएंट आप लोग हैं। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो यही तीन स्टेप में आपका जो है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2023 होने वाला है, ओके। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। शारीरिक दक्षता में ये सब देख लीजिएगा, ये सब मेरे काम का चीज़ नहीं है, आप लोग रीड कर लीजिएगा पॉज करके। तो अब फिजिकल एफिशिएंसी में क्या क्या होता है ये सब आपका देखा जाएगा। दूसरा बात आता है यहाँ पे शारीरिक माप में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ये सब में क्या क्या होगा, कितना हाइट होना चाहिए, ओके ना, ये सब कितना जो है से जो चेस्ट होता है उसका होना चाहिए, ओके। तो ये सब देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके ना। फीमेल के लिए कोई ये सब चीज़ नहीं है ना, हाँ हाइट है 140 148 सेंटीमीटर। जो रिटन एग्जाम होगा आइए उसको देख लेते हैं। और ध्यान रखिएगा अलग अलग अगर समूह में यानी कि अलग अलग सीट में एग्जाम होता है
तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्मलाइज अंक सबको दिया जाएगा क्योंकि किसी शूट में टफ क्वेश्चन आता है तो किसी में ईजी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे सिलेबस, आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पेपर नंबर फर्स्ट। तो पेपर नंबर वन आता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है सबके लिए कंपल्स, मतलब बोलिए 30% इसमें आपको लाना ही लाना है, अदरवाइज आगे पेपर टू और थ्री आपको जांच किया ही नहीं जाएगा, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, तो सबसे पहले देखिएगा, तो पेपर वन में हिंदी भाषा ज्ञान 80% रहेगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपका 40% रहेगा, ठीक है ना। तो टोटल 120 होगा और जितना भी एग्जाम हो रहा है सबके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, जितने भी एग्जाम है सबके लिए, क्लियर है। तो हिंदी भाषा ज्ञान में 80% है, ध्यान रखिएगा इसमें 80 क्वेश्चन है, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में है 40 ही प्रश्न है, ठीक ना, यानी कि जस्ट आधा है और टोटल 120 हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं, तो हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 30 प्रश्न आपको लाना ही, अदरवाइज आगे आप लोग नहीं बढ़ पाइएगा। मुख्य जो परीक्षा होगा जिसमें देख लीजिएगा, तो लिखा हुआ था आपका कि जो हिंदी भाषा ज्ञान था, डिटेल में देख लीजिए, इसमें अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है 80 प्रश्न तो 20 जो है से आपका पैसेज रहेगा, पैसेज में रहना जो रीड करना होता है, अनुच्छेद ये सब दिया रहता है, तो वो सब आपको पढ़ के क्वेश्चन देना होता है, तो 20 रहेगा उस पर, और 60 जो होगा से ग्रामर से रहेगा, 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा, तो ग्रामर का ज़्यादा वेटेज है। दूसरा बात है अंग्रेजी भाषा, देखिएगा तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट है इसमें आधा आधा का, तो अंग्रेजी भाषा में अनुच्छेद यानी कि जो पैसे दिया जाएगा वह 20 होगा और ग्रामर होगा आपका 20, तो 20 20 40 और यहाँ से 80, तो 40 और 80 हो गया 120, 2 घंटा समय दिया जाएगा, तो इस तरह से आपका सब डिवाइड किया गया है, इसको ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट देखिएगा लैंग्वेज पेपर नंबर टू, लैंग्वेज पेपर नंबर टू, इसमें लैंग्वेज पेपर में जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका था, ठीक है, जब क्लास लेता था, कि हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को ऐड कर दिया गया है, उर्दू पहले था लेकिन उर्दू जो है से मतलब हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत नहीं था, तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा जो है से सब्जेक्ट सूट करता है, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, ये सब, ये नागपुरी, कोई लोग बोलते हैं कि खोटा नागपुरी आसान है, तो आपको आसान लगता है तो आप लोग रख सकते हैं, बट मैं अपने तरीका से बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट सूट करेगा, ओके ना। तो आइए देख लेते हैं, इस सब में आपको 30% लाना ही है, ठीक ना, न्यूनतम 30% सब में अनिवार्य है। अब देखिए अगर पेपर टू के बारे में बात कीजिएगा, तो इसमें जो है से मेनली रूप से मैं डिस्कस करूंगा हिंदी और अंग्रेजी को, ठीक ना, ज़्यादातर लोग हिंदी और अंग्रेजी रखने वाले हैं, ओके ना। चलिए तो हिंदी में देखेंगे हम लोग इसका सिलेबस पेपर टू का, और देखिए यहीं पर मैं ना जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो बुकलेट भी आपको डिस्कस साथ में कर देता हूँ। जैसे कि देखिएगा तो हिंदी का जो सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको हिंदी में पुस्तक क्षितिज भाग टू है, ये बुक क्लास टेंथ का है ना, क्लास टेंथ का आपको बुक देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। क्लास टेंथ का दोनों पार्ट, हिंदी जो है से आपका, जो आपका ये कृतिका है और एक क्षितिज है, दोनों को खरीद लेना है आपको। उसमें देख लीजिएगा सारा यहाँ पे है, सूरदास वाला, तुलसीदास वाला, राम लक्ष्मण जो है से, उसके बाद यहाँ पे देव का एक है आपका, ओके ना, उसके बाद आत्मकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, उत्साह है, उसके बाद फसल है, छाया मत छूना, उसके बाद कन्यादान है, फिर संगतकार है, कुछ कुछ टेंथ में नहीं मिलेगा, कुछ अलग अलग भी सिलेबस है, ठीक ना, तो उसको देख लीजिएगा, ये क्षितिज भाग टू आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका 9, यहाँ तक क्षितिज भाग टू में ये मिल जाएगा, क्लास टेंथ का बुक आप लोग परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद काव्य जो गद खंड है, सॉरी गद खंड है, नेताजी का चश्मा है, उसके बाद बाल गोविंद भगत है, उसके बाद लखनवी अंदाज है, मानव करुण की दिव्य चमक है, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी या कुर्तकों का खंडन है, नौबत खाने में इबादत या फिर संस्कृति, ये सब क्लास टेंथ का बुक आपको मिल जाएगा, तो वो सब परचेज कर लीजिएगा, ओके ना, क्लास टेंथ का बुक, क्लास टेंथ का हिंदी। और कृतिका भाग दो देखिएगा तो माता का अंचल है, पांच ही है और पांचों सिलेबस में है, तो जा माता का अंचल है, जाज पंचम के नाक है, साना साना हाथ जोड़ी है, उस पर यही ठाया झुल्ली हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुकलेट तो मैं चर्चा कर ही दिया, साथ ही साथ अगर यहाँ पे चर्चा करते हैं तो मतलब चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, तो बुक तो आपने ले लिया, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे जितने सूरदास हैं इनका पूरा बायोग्राफी आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनका इंपॉर्टेंट जो है कृति क्या क्या है, ओके ना, या फिर इनको कुछ अवार्ड मिला है, तो सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको हिंदी साहित्य में पूछा जाएगा, सारा सारा पूछा जाएगा, ये सारा जितना बोला हूँ सब देख लीजिएगा आप लोग। तो ये तो हो गया सारा चीज़ तुलसीदास के बारे में, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी राइटर है यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कवि हैं, ठीक ना, तो सबके बारे में इतना चीज़ जरूर पता कर लीजिएगा। ये तो हो गया आपका ओके। और देखिए अगर बुक आप लोग लाइएगा तो आप लोगों को ये सब तो पढ़ लीजिएगा, हेल्प आपको ऑनलाइन इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक ना, ऑनलाइन जो है से
हेल्प मिल जाएगा और मैं देखता हूँ कि मैं आपको कितना हेल्प प्रोवाइड करा सकता हूँ। साथ ही साथ यह देखिए, इसके साथ हिंदी जो पेपर नंबर 2 है उसमें आपका ग्रामर भी है, ग्रामर भी है, तो इसमें क्रिया आएगा आपको, फिर वाक्य आएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी, मुहावरी, मुहावरे, विवृतार्थक शब्द, उसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन से क्वेश्चन आएगा तो आपको पत्र लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपको देखेगा तो ऑफिशियल लेटर, औपचारिक, अनौपचारिक जो पत्र होता है उसमें आपको दे देगा कि कौन इसमें औपचारिक है, कौन अनौपचारिक है। इसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया जाएगा, ओके ना, पत्र लेखन से, ठीक ना, बहुविकल्पी प्रश्न बनता है इस पर। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका हिंदी का सिलेबस। बुक आप लोग क्लास 10th का जरूर परचेज कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और साथ ही साथ सारा जितने भी यहाँ पे कवि हैं या लेखक हैं सबके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए हर एक कुछ, ये आपका टोटल कंप्लीट तैयारी हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर पेपर 2 देखिएगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर रहेगा पेपर 2 का, तो उसका सिलेबस में देखिए, सबसे पहले तो लैंग्वेज पेपर है, ठीक ना, तो लैंग्वेज में आपका एरर रिकॉग्निशन आएगा। उसके बाद ग्रामर में एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब उसको आप लोग बोलते हैं एग्रीमेंट, और उसके बाद इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन, उसके बाद वर्ब है, जेरेंड है, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव है, उसके बाद एडवर्ब है, टेंस, क्लाउज, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, सबका सब है, ठीक ना, कोई चीज छोड़ा हुआ इसमें नहीं है। इस कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश का आप लोग तैयारी करना होगा तो ए सी सी का सीजीएल लेवल का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक ना। ए सी सी सीजीएल भी बोलता हूँ, अगर झारखंड का इंग्लिश में तैयारी करना है तो ए सी सी सीजीएल लेवल का तैयारी कीजिएगा, खासकर ग्रामर के लिए। दूसरा बात है सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको आना ही आना है। उसके साथ जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक है फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब्स जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब आपको फिलर्स में डाल देगा, और फिलर्स में आपको देखिए अलग तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना, तो उसी में जो है आपको जैसे डाला जाता है फ्रेजल वर्ब्स को, ओके, या हो सकता है कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दें, तो फ्रेजल वर्ब भी आप लोग इंक्लूड करके इसमें चलिएगा, क्लियर है। और एसएससी सीजी लेवल तक आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, इसका आपका हो जाएगा ग्रामर का। ये तो ग्रामर सेक्शन आपका हो गया, ठीक ना, लैंग्वेज में। उसके बाद देखिए इसमें लिटरेचर भी है, लिटरेचर में आप लोग देखिएगा तो नोवेल आपको पढ़ना है, ओलिवर ट्विस्ट है जो कि चार्ल्स डिकेंस का है। उसके बाद एनिमल फार्म है, जॉर्ज ऑरवेल का, 5.1 चेतन भगत का है। उसके बाद ट्रेजर आइलैंड है, आरएल स्टीवेंसन का। उसके बाद रिटोल्ड स्टोरीज है आपका रिटोल्ड स्टोरीज है लैम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये आपको रिटोल्ड जो है स्टोरीज पढ़ना पड़ेगा, ये शेक्सपियर का आपको देखने को मिलेगा, ये लैम्स का कहानियां हैं। पोएट्री सेक्शन में द डैफोडिल सबको पढ़ना है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ का। मैं जब सिलेबस देख रहा था तो मैं सोचा ना कि 2% तो कम से कम होना ही चाहिए, विलियम शेक्सपियर होना चाहिए और विलियम वॉर्ड्सवर्थ होना चाहिए, ठीक ना, तो ये दो को आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद द डोंकी है सर जे आर्थर थॉमसन द्वारा। देखिए ये सब जितना भी टॉपिक आपको मेंशन यहाँ पे किया हुआ है उसका राइटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। डेथ बी नोट प्राउड, ठीक है, डेथ बी नोट प्राउड यानी कि डेथ ज़्यादा जो है से घमंड मत करो। उसके बाद देख लीजिएगा जॉन डोने के द्वारा जो है से है बुक। उसके बाद यहाँ पे लीजर, उसके बाद लीजर है डब्ल्यू एच डेविस का। उसके बाद फियर द माइंड इज विदाउट फियर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, देख लीजिएगा ये पोएट्री। उसके बाद द लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज ये जो है, ओके ना, और फिर द चेरीज नाउ ए हॉन्समैन का है। तो ये सब आपका सिलेबस में मेंशन है, ओके ना, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग डिटेल में, ओके। शॉर्ट स्टोरी में अभी भी यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे देख लीजिएगा शॉर्ट स्टोरी भी है, जैसे थ्री क्वेश्चन है लियो टॉल्स्टॉय का। उसके बाद द टाइगर्स क्लॉ है आर के नारायण का। अ मैन हु हैड नो आइज आपको मैकिनले कैंटोर का देखने को मिलेगा। द लोस्ट जेवल है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो ये सब शॉर्ट स्टोरीज है। ऐसे में देखिएगा तो गुड मैनर्स है जेसी हिल का। उसके बाद द सन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स जेसी जोन्स का है। एनिमल्स इन प्रिजन जवाहरलाल नेहरू का है, और फिर फॉरगेटिंग है आर लैंड का, ठीक है। तो ये सब आपको शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है। और हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन शॉर्ट, यानी कि इंग्लिश का विकास कैसे हुआ था, जिस तरह से हिंदी भाषा का विकास हम लोग पढ़े हैं, इंग्लिश का विकास कैसे कैसे हुआ था ये आपको पढ़ना होगा, इसमें दिया हुआ है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसमें बुक है एसी बॉ का, तो इनका पढ़ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि है जोसेफ विलिस का, या फिर सोर्स विकिपीडिया में डाला हुआ है, तो ये सब सोर्स जो है से खुद जो है से यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सब इंग्लिश में देखिए जितना भी सारा यहाँ पे दिया हुआ है लियो टॉल्स्टॉय, ये सब आपको अलग अलग जो है से आपको टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, ओके। तो इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस जो है से ब्रॉड हो जाता है, ओके ना तो इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर सिलेबस चर्चा करूँ पेपर 2 को और पेपर 1 को कंबाइन करके, तो देखिए मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 को मैं अगर कंबाइन करूँ, तो जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था कि पेपर 1 में हिंदी में आ रहा है 80 क्वेश्चन और पेपर 2 में अगर हिंदी आप रखते हैं
तो यहाँ पे ग्रामर का आपका एडवांटेज हो जाता है, हिंदी वन जो सॉरी पेपर वन में जो हिंदी है, और साथ ही साथ पेपर टू में अगर आप हिंदी रखते हैं तो आपका यहाँ पे ग्रामर यानी कि हिंदी ग्रामर का एडवांटेज हो जाता है। ओके ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस तरह से पेपर रखेगा कि पेपर वन भी आपका काम हो जाए और पेपर टू भी काम हो जाए, ठीक ना। तो जो हिंदी रखेंगे उनका तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, लेकिन जो ऑनर्स होंगे इंग्लिश से जो जिनको लगता होगा कि इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं तो आप लोग इंग्लिश रख सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पे ये मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट पेपर में देखिएगा सेकेंड पेपर में हिंदी रखते हैं, फर्स्ट सेकेंड पेपर में जिनका हिंदी हो, यहाँ पे सेकेंड पेपर में जिनका हिंदी है वो फर्स्ट पेपर में हिंदी को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, फर्स्ट पेपर में हिंदी को ज़्यादा टाइम दीजिएगा और इंग्लिश को थोड़ा सा कम टाइम दीजिएगा। क्लियर है ना, हिंदी को ज़्यादा इंग्लिश को कम टाइम दीजिएगा अगर सेकेंड पेपर आपका हिंदी है तो। उसी तरह से वाइस वर्सा है, अगर सेकेंड पेपर आप इंग्लिश रखते हैं तो इसमें फर्स्ट पेपर को आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा और जो है हिंदी को कम प्रेफर कीजिएगा। इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ओके, ताकि पेपर वन में भी काम आ जाए और पेपर टू में भी काम आ जाए। इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके ना। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपका हिंदी जो है से थोड़ा सा आसान पड़ेगा इन कंपेरिजन टू इंग्लिश, ठीक ना, क्योंकि मुझे पता है झारखंड में अधिकतर लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं नहीं। अधिकतर लोग बोला हूँ, ऐसा नहीं हो कि कोई नहीं पढ़ता, फिर कमेंट मत कीजिएगा कि मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है। तो ये हो गया, सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब आते हैं पेपर थ्री। पेपर थ्री एक झालमुरिया बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ है। पेपर थ्री में देखिएगा तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन आता है जो जनरल स्टडीज़ है, जिसमें 40 क्वेश्चन आएगा, ओके ना। झारखंड राज्य से संबंधित ये सबसे बड़ा पोर्शन है, 50 नंबर पेपर थ्री में सबसे बड़ा पोर्शन आपका झारखंड जीके दिया गया है। और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आपका आएगा। और सामान्य गणित है जिसे 10 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ओके ना। मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन है, ओके, कुल 120 है और 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, ओके। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आप पेपर थ्री को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सामान्य ज्ञान देखिए एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्शन है जिसमें सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, नॉर्मल नॉलेज आपको होना चाहिए। समाज में उनका अनुप्रयोग क्या क्या, लाइफ में उसका यूज है, उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं करंट अफेयर दे दिया और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन। ध्यान रखिएगा करंट अफेयर काफ़ी टफ पूछा जाता है, झारखंड का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, करंट अफेयर आप लोग देखिएगा तो इतना घुसा घुसा के पूछता है कि मत कहिए। और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी होना चाहिए, ओके ना, यानी कि अगर कोई न्यूज आ रहा है साइंस के क्षेत्र से, ओके ना, तो आपको पता होना चाहिए, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद किसी भी शिक्षित व्यक्ति से, मतलब ये तो आगे बोल दिया कि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो सब होना चाहिए। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी भारत का तो पूछा ही जाएगा, झारखंड से भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। समसामयिक विषय हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया, पुरस्कार हो गया, भाषा हो गया, पुस्तक लिपि राजधानी हो गया, मुद्रा खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास देख लीजिएगा, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय कृषि है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान सब आ जाएगा, अनुच्छेद, राज्यपाल, ये सब पंचायती राज आ गया, सामुदायिक विकास आ गया, झारखंड राज्य की समान जानकारी सब जो है सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा, ओके ना। झारखंड का करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड रहेगा। तो देखिए ये बहुत ही ब्रॉड सेक्शन आपका रहेगा, ओके ना। अब झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान है तो आपको डिटेल में सबको पढ़ना है, झारखंड पूरा आपको पढ़ देना है, कुछ ही छोड़ना नहीं है, ओके ना। सब चीज़ लिखा हुआ है, भूगोल है, इतिहास है, सभ्यता संस्कृति भाषा साहित्य है, स्थान है, खान खनिज है, उद्योग है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, सब चीज़ आपको पूछा जाएगा, ओके ना। आसान पूछिए तो कौन सा मंदिर कहाँ पे है, स्थान में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लोकेशन में, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यानी कि झारखंड में सब पढ़ना है। सामान्य विज्ञान आएगा आपको, पहले तो सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद बुकलेट को चर्चा करूंगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में देखिएगा तो प्रतिदिन जो अवलोकन है यानी कि नॉर्मल जितना भी आपको नॉर्मल सामान जो साइंस होता है वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिएगा इसमें जो है आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जनरल साइंस तो हो गया, उसका सामान्य गणित में देख लीजिएगा, इसमें जो है नॉर्मल गणित आपको सब पूछा जाएगा, ओके ना। और लेवल सब में आपको मैट्रिक और दसवीं ही बोलता है आपको। अब आइए पेपर थ्री को आप देखें अगर ध्यान से, ओके, तो सामान्य अध्ययन जहाँ से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नॉर्मल जो लुसेंट का जीके आता है पतला वाला, ठीक ना, उसको आप लोग कम से कम पूरा रट जाइएगा। और मेरा मानिए तो अगर आप लोगों को जीके का तैयारी अच्छा से करना है, ओके, जीके का तैयारी अच्छा से करना है, तो आप लोग जो है से www.pd.group.in पर जाइएगा। एक साल का, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक साल का जो है
से करंट अफेयर का सामान के अंदर अपन आता है, आप लोग जो है उसको परचेज कर लीजिए, आराम से उसको स्टडी कीजिए, उसमें सील सिलवार घटना काफी ज्यादा दिया रहता है, ओके ना। तो सामान्य अध्ययन का तैयारी आपको करना होगा, तो अभी से लेकर चाहते हैं कि 6 महीने तक तैयारी करें तो सामान ज्ञान दर्पण आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। नॉर्मल एग्जाम के लिए सामान ज्ञान दर्पण होता है, और स्टेट पीसीएस जैसे जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी का, तो आप लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। तो वो बुकलेट मुझे काफी अच्छा लगता है, ओके, मैं भी इसको प्रेफर करता था पहले, तो इसको आप लोग जरूर प्रेफर कीजिएगा 40 नंबर। और अलग अलग एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर चलिएगा तैयारी करने के लिए। ये सेक्शन बहुत ही बड़ा है, कहने में तो आसान लगता है कि एनसीईआरटी बेस बनाकर चलिएगा, लेकिन 1-2 दिन में यह होने वाला नहीं है, 1-2 महीना में होने वाला नहीं है, 5-6 महीना लगभग आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, तैयारी हो जाएगा। तो सबके लिए जितना टॉपिक मेंशन है सब में आप लोग एनसीईआरटी बेस बनाइएगा, और दूसरा बात लुसेंट का जीके पूरा पढ़ लीजिएगा, और सामान ज्ञान दर्पण जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबको आपको ध्यान से देखना होगा, जितने साल में जितने एग्जाम हुआ है सब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पता चलेगा, ओके ना। दूसरा आता है झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान जो है वो 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो सब आपको देख लेना है। पहले तो आपको सील सिलवार ढंग से सब चीज टॉपिक पढ़ लेना है हर एक चीज़, और बुकलेट में देखिएगा तो मैं जो बुक जो है से फॉलो करता हूँ वो है मनीष रंजन, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो लेटेस्ट आएगा सो, ठीक है, मनीष रंजन। और भी आप लोग मार्केट में बुक देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा बुक को फॉलो नहीं करता हूँ, एक ही बुक को मैं 10 बार पढ़ता हूँ, ठीक है ना, 10 बुक को मैं एक बार पढ़ने वाला पर्सन में से नहीं हूँ, ओके। तो एक देख लीजिएगा मनीष रंजन है, और भी कुछ उड़ान का सब कोई बुक बोलता है, तो आप लोग आपको देख लीजिएगा कौन बुक आपके लिए अच्छा है। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन आएगा क्लास नाइन्थ और टेंथ का एनसीईआरटी टेस्ट बुक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, कुछ क्लास 8 का भी देख लीजिएगा, तो 8, 9, 10th मिनल से आपको कर लेना है, 10th से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और ऐसे देखिएगा तो मैं बहुत सारा क्लास जो है से मैं ले रहा हूँ, ओके, इसे बाद में चर्चा करूँगा अभी नहीं। और सामान्य गणित में ये 10 प्रश्न पूछा जाएगा, और मुझे लगता है कि अगर मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर अरिथमेटिक के बारे में बात कीजिएगा तो टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, परसेंटेज, ये सब कुछ टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इसे भर भर के आता है, ठीक ना। चलिए, सेक्शन बहुत ही ब्रॉड होगा, 10 क्वेश्चन है, आप लोगों को ना 10 टॉपिक्स उठाकर क्वेश्चन पूछ देगा, तो ऐसे आप लोग ये दो टॉपिक पढ़ के जाइएगा तो होने वाला नहीं है वो, बस मैं चर्चा किया हूँ कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है आपको पूरा पढ़ना होगा, ओके ना। तो ये तो हो गया सारा चीज़, ओके। और आते हैं थोड़ा सा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ, जैसे देखिए झारखंड आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लगभग कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, झारखंड जीके में 2023 एग्जाम टॉपिक आपको मिल जाएगा 23-24 के नाम से। सामान्य विज्ञान में पढ़ाता हूँ उसमें देखिएगा JSSC व CGL के लिए है, लेकिन देखिए अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है टॉपिक सबका, सबका जो है सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आप लोग उसको तैयारी कर सकते हैं, ओके। बाकी गणित मैं नहीं पढ़ाता हूँ और रीजनिंग यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जनरल स्टडीज़ का भी पोर्शन लगभग जल्दी शुरू करूँगा, ये तो मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं शुरू करूँगा झारखंड करंट अफेयर, और झारखंड करंट अफेयर को मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर साथ ही साथ झारखंड करंट अफेयर और उसको स्टेटी के साथ कनेक्ट करके मैं पढ़ाने वाला हूँ जल्द ही, ओके ना। तो देख लीजिएगा इसमें सब में आपको 30% लाना है, तो ये सब कुछ डिटेल जो है से डिस्कस हो गया, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन सा बुकलेट आपको फॉलो करना है, तो ये सब बुकलेट में आप लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, ओके। और जो बोला हूँ कि जो सामान के अंदर पर है लास्ट 1 साल का ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 35 रुपये का आता है, ओके ना। तो आप लोग अगर 10 खरीदते हैं तो 350 आएगा, और अगर तो सारा चीज़ तो हो गया, ओके ना, और देख लिया सिलेबस भी आपने किस तरह से प्रिपरेशन करना है, अपना भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। अब जो लास्ट टाइम आता है कि जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, ओके ना। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आप लोग देखिए जो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन होगा जो चूज करना होगा आपको वह होगा पेपर 1, ओके। तो पेपर 1 उसका पेपर 2 में हिंदी और उसके बाद पेपर 3, ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। पेपर 1 में अगर आप हिंदी यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी जो है से ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में यहाँ से 80 क्वेश्चन आपका आने वाला है, देखिएगा पेपर 1 को, तो हिंदी से आपका 80 क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर यहाँ पे हिंदी को आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो पेपर 2 में भी जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें काम आ जाएगा, ओके ना। पेपर 3 तो फिर अलग ही है, तो ये मुझे लगता है कि सब बेस्ट सुटेबल जो है से एक ऑप्शन है जो कि आप लोग चूज कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए लगभग आप लोग के पास 5-6 महीना है, ओके। तो उतना दिन में आप लोग कम से कम कोशिश कीजिए कि 12 से 15 घंटा पढ़ाई कीजिए, 12 से 15 घंटा पढ़ाई करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, ध्यान रखिएगा। और आपको रूटीन कैसे बनाना है वह दुनिया का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बताएगा,
रूटिंग आपको अपने अनुसार बनाना होगा। कैसे बनाना होगा थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे अगर पेपर वन जो है से आपको प्रिपरेशन करना है, तो अगर यहाँ पे हिंदी रखते हैं तो हिंदी को कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप लोग दीजिएगा, ओके ना, और इंग्लिश को 1 घंटा आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। या फिर अगर ज़्यादा आप लोग पढ़ लेते हैं तो आधा घंटा भी दे सकते हैं। और ज़्यादा आपको इंग्लिश अच्छा है, ACC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इंग्लिश तो आपको पढ़ना भी नहीं होगा, क्योंकि पैसेज भी तो आ रहा है। तो ग्रामर सेक्शन को हिंदी में अब बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तो 1.5 से 2 घंटा आप लोग दे सकते हैं, और इसको इंग्लिश वाले को 1.5 से 1 घंटा आप लोग दे दीजिएगा। ये तो हो गया। दूसरा बात है पेपर टू में काम आ जाएगा, ये जो पेपर टू हिंदी है, ओके ना, इसमें जो है आपको कम से कम, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटा आपको डेली देना ही पड़ेगा, डेली 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद पेपर थ्री में आप लोग टोटल आपने देखा होगा यहाँ पे ग घ, यानी कि टोटल 4 सेक्शन आ जाता है, सामान्य गणित, उसके बाद विज्ञान आ जाता है, उसके बाद झारखंड आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो सामान्य नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, अध्ययन है, सो तो टोटल 4 सेक्शन आ जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग टाइम दीजिएगा, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग दीजिएगा झारखंड जीके को, जो कि कम से कम तो आपको 2 घंटा पढ़ना ही चाहिए, और बाकी आप लोग मैथ्स डेली 1 घंटा बना सकते हैं, 1 घंटा आप लोग जनरल साइंस पढ़ सकते हैं, और नॉर्मल जो आपका जीके है वह आपको 2 घंटा कम से कम पढ़ सकते हैं, इतना मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। तो इतना घंटा आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पे 6 घंटा हो जाता है, 6 और 3 9 घंटा हो गया, और 9 2 3 आपका हो जाएगा 9 और 3 लगभग हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा आप लोग डेली स्टडी इसको कर रहे हैं, फिर 2 3 घंटा कहाँ गया, 2 3 घंटा आपको डेली रिविजन में देना है, रिविजन बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कितना भी आप लोग पढ़ लीजिए सिलेक्शन नहीं होगा। 2 से 3 घंटा आप लोग रिविजन जरूर रखिएगा, और 2 से 3 घंटा में मैं चाहूँगा कि इसको सबसे कम आप लोग समय दीजिएगा, इसको ज़्यादा दीजिएगा समय, इसको सबसे ज़्यादा, और इसको जैसे और भी ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि देखिए पेपर टू का तो वेटेज उतना ही है, लेकिन इसमें जो है आपका तो टॉपिक है पेपर थ्री झालमुरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ना है। तो कम से कम इसको अगर 1 घंटा आप लोग रिविजन देते हैं, उसके बाद अगर इसको अगर देते हैं 1 घंटा, तो इसको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके ना, चाहे दे भी सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा अगर पेपर टू को कनेक्ट कर लें तो। 1 घंटा इसको आप लोग 1.5 से 2 घंटा रिविजन, 1.5 से 2 घंटा दीजिएगा, और इसको भी 1.5 से 2 घंटा रिविजन आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ओके ना। तो लगभग 2 से 3 मत कहिए, 3 से 4 घंटा तो आपको रिविजन करना पड़ेगा, और अगर फास्ट कर लेते हैं तो आप लोग 2 से 3 घंटा में आप लोग कर भी सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो। अब ये जो 2 से 3 घंटा होगा, 3 से 4 घंटा जो प्रैक्टिस होगा, ये आपका होना चाहिए सुबह में, जो आपका रिवीजन होना चाहिए वह सुबह में होना चाहिए। सुबह में आप लोग 4 से 7 जो है से रिवीजन कीजिए, उसके बाद जो है से आप लोग नाश्ता वास्ता कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फोन वोन चलाइए, रील्स वगैरह, और उसके बाद जो है से फिर से अपना स्टडी करने लगिए। और जो भी आपका 12 से 15 घंटा का जो रूटीन बनेगा 15 घंटा का, वह दूसरा कोई नहीं बताएगा, आप लोग काम भी करते होंगे, तो कुछ ना कुछ करके जो है से आप लोग को समय निकालना पड़ेगा, ओके ना। और अपने अनुसार कितना समय आप लोग सुटेबल होता है वो जो है से आप लोग देख सकते हैं। मैं जस्ट बता दिया कि आपको 4 से 7 रिवीजन करना है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग रात को भी रिवीजन कर सकते हैं अगर आपका बॉडी उसके टाइम के अकॉर्डिंग या बॉडी और माइंड टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल है तो। और आप लोग रिवीजन कभी भी कर सकते हैं, रूटीन अपने अनुसार बनाइए कब आपको 15 घंटा देना है 24 घंटा में से, इतना तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है ना, आसान नहीं रहता है झारखंड का एग्जाम, आप स्टेटमेंट सुने होंगे विकास देवी कीर्ति सर का, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मेरा एनालिसिस था, तो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा, ओके। तो ये सब कुछ है, अब बाकी मैं भी जो हूँ से आपको झारखंड जी के बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, और जल्दी जैसे झारखंड जी के जो है से मैं आपको टॉपिक वाइज शुरू करूँगा, उसके बाद मेरा जनरल साइंस का, ओके ना, जनरल साइंस का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मिल जाएगा, जो कि मैं क्लास 9 10th को काफ़ी ज़्यादा फोकस करके मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, झारखंड करंट अफेयर आपको जल्द ही मिलने वाला है। और पेपर वन के बारे में और बात कीजिएगा, तो मैं CGL का पढ़ा चुका हूँ, JCET CGL का, तो पेपर वन आपको फायदा कर जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का, इंग्लिश का लगभग 90 जो है से वीडियो मौजूद है, और हिंदी का लगभग मुझे लगता है कि 50 के आसपास होगा, 47-48 के आसपास हिंदी का लेक्चर है, ओके ना। तो इतना सारा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, और माइंड में इफ इनवर्स कभी भी मत रखिएगा कि वह CGL है तो वह CGL के लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे गलती कभी मत कीजिएगा, अधिकतर लोग यहीं पे गलती करते हैं, ओके। तो एनालिसिस कैसा लगा आपका, अपना आपका सुझाव और जो प्रतिक्रिया है वो अपेक्षित रहेगा, ओके, तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, वंदे भारतम, जय हिंद।